सच्चे ब्राह्मण रोज सवेरे बाबा से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं चाहे हमारी प्योरिटी की धारणा हो चाहे जीवन को निर्विघ्न बनाने की बात हो चाहे अपने मनोबल को बढ़ाने का संकल्प हो चाहे व्यर्थ संकल्पों से खुद को मुक्त करना हो अमृत वेले का सुख लेना बहुत आवश्यक है प्रभु मिलन हो जाए एक बार परमात्म सुख से झोली भर जाए बहुत ध्यान देना इस पर उठने में भी ढिलाई नहीं लेकिन उठने के बाद श्रेष्ठ अनुभव करने चाहिए ये नहीं उठ तो गए कई लोग कह देते हैं एक कुमार है हमारे पास बेंगलोर में तीस साल से में है उसने रिकॉर्ड तैयार किया है तीस साल में एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ आईटी में इंजीनियर है अब उठना ये तो सर्वश्रेष्ठ बात है लेकिन उठकर प्रभु मिलन का सुख लेना मैं पहले भी यहाँ क्लास में एक दो बात कह चुका हूं अब ध्यान देंगे बहुत भाई बहने आए हैं अमृत वेले उठकर बाबा से बातें करें बहुत ध्यान दें सवेरे उठते ही पहले मिनट में हमारे संकल्प इधर उधर भटक न जाएं। पहला संकल्प वही हो जो हम चाहते हैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें अगर पहला संकल्प इधर उधर का आ गया कल वो मेरे से लड़ाई करके गया उठते ही आ गया तो संकल्प कितने चालू हो जाएंगे उसके बाद रुकना ही मुश्किल हो जाएगा उठते ही सुंदर संकल्प कर दो कुछ भी बाबा मुझे बुला रहा है उसने मुझे उठाया है आओ बच्चे मेरे से वरदान लो वो मुझे बहुत प्यार कर रहा है चार पांच संकल्प उठते ही सुंदर कर दो फिर वही चलेंगे फ्लो बन जाएगा एक प्रवाह हो जाएगा व्यर्थ से सभी छूट जाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज उठते ही संकल्प कर सकते हैं मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं हैं भाग्यवान सभी या नहीं सभी हैं भाग्य विधाता के बच्चे बाबा ने तो और आगे की बात कह दी तुम भी मास्टर भाग्य विधाता हो इसलिए शक्तियों की महिमा में भी उन्हें भाग्य विधाता ही कहा जाता है जो महिमा शिव बाबा की है वही महिमा लगभग शिव शक्तियों की गाई गई है भक्ति में और बाबा मुरली में कहते भी हैं जो महिमा मेरी है वही महिमा मैं तुम्हारी भी करा देता हूं तो बहुत कुछ लेना है बाबा से सवेरे उठकर सुंदर संकल्प करके सवेरे के समय को पांच भागों में बांट लेना मैं पचास मिनट की बात कर रहा हूं दस दस मिनट नौ नौ मिनट और मुझे पहले बाबा से बातें करनी है उसको शुक्रिया करना है कल हमने शुक्रिया की बात सवेरे की क्लास में बहुत अच्छी तरह की थी फिर सुन ले आप और मेरे साथ साथ अभी बाबा को शुक्रिया करें चलो तैयार हो जाओ जो मैं संकल्प दू वो संकल्प करना और शुक्रिया करना हे प्राणेश्वर हे खुदा दोस्त आपने आकर हमें अपना साथ दिया आपको पाकर हम धन्य धन्य हो गए आपसे मिलकर हम बहुत सुखी हो गए आपने आकर हमें जन्म जन्म के दुखों से मुक्त कर दिया आपने दृष्टि देखकर हमारी जन्म जन्म की थकान मिटा दी आपको बहुत बहुत शुक्रिया सवेरे उठते करेंगे हे ज्ञान के सागर आपने सत्य ज्ञान देकर हमारी जन्म जन्म की सत्य की खोज पूर्ण कर दी आप आए हमें स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया आपने हमें दिव्य बुद्धि का वरदान दिया सत्य ज्ञान का प्रकाश देकर हमारे जीवन की यात्रा को सरल और सुखद कर दिया आपको बारंबार शुक्रिया हे सर हे मेरे प्राण प्रिय आप रोज सवेरे शक्तियों और वरदानों से हमारी पालना करते हो आप हमारी जीवन नैया के खिवैया बन गए आपके हाथ में अपनी जीवन नैया की पतवार देकर हम निश्चिंत हो गए आपने आकर हमारे सभी गम हर लिए चिंताएं हर ली आपको पाकर हम बेफिक्र बादशाह बध गए आपको कोटी कोटि बार शुक्रिया ऐसे करना है सवेरे उठते ही अगर आप कमरे में अकेले हो तो खुशी में डांस कर सकते हो चार्ज हो जाएंगे आप सवेरे मन को चार्ज कर देना बहुत बड़ी प्राप्ति व्यर्थ समाप्त हो जाएगा जो संसार की समय बहुत बड़ी समस्या है व्यर्थ 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 सब समाप्त हो जाएगा पसंद है शुक्रिया करना इधर वाले भाई ठीक है करना तो सवेरे के समय को पांच भागों में बांट दें एक भाग चाहे पहले करो चाहे बाद में करो वो आप चुन लेना बाबा से बातें करना शुक्रिया करना अर्थात प्रभु प्रेम में मग्न हो जाना एक बार शुक्रिया करते करते तो मग्न अवस्था आ जाएगी दूसरा दूसरा भाग ऐश्वरीपन आत्मा के अलग अलग अभ्यास रूहानी ड्रिल बाबा के पास जाना मैं तो इस शब्द में कहता हूं बाबा को टच किया थोड़ी देर बाबा के पास बैठ गए फिर मैं आत्मा वापिस आ गई फिर गई बाबा के पास बैठ गई फिर वापस आ गई पांच सात बार कर लेना एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी फिर ऐसा अभ्यास करना बाबा की किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रही हैं तीसरा पांच स्वरूपों का अभ्यास दस मिनट में तो एक ही बार होगा चिंतन के साथ जिसको चिंतन करना ना आता हो वो याद करना मैं आत्मा हूं मैं देवता थी मैं इस देवी थी इस देव था अब मैं ब्राह्मण हूं मुझे फरिश्ता बदना है एक मिनट में पांच हो जाएंगे फिर तीन मिनट में करना अपने अपने स्वरूप को देखना देवता थे ऐसे थे आज भी सवेरे हमने किया था चिंतन के साथ तीसरी बात दूसरी बात पांच मिनट में कर लेना फिर पांच मिनट में कर लेना बहुत मजा आ जाएगा चौथा हिस्सा संसार को सकाश देना ग्लोब के ऊपर बैठना देखो कैसे करना है मैं ग्लोब के ऊपर ग्लोब माना सृष्टि का गोला मैं उसके ऊपर पूर्वज बाबा से शक्तियों की किरणें मुझे आ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। जिनको बुद्धि की स्थिरता अच्छी ना हो वही संकल्प को एक एक मिनट में रिपीट कर लें। सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें आ रही हैं, फाउंटेन पड़ रहा है चारोर फैल रही है ये सकाश देने की सबसे अच्छी विधि दूसरी विधि अपनाएंगे ये कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष जड़े ऊपर हैं बीज ऊपर नीचे फैला है मैं फरिश्ता पूर्वज इसकी जड़ों में विराजमान बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं गोल्डन किरण रंग, रंग देंगे गोल्डन कलर की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। फिर मुझसे नीचे पूरे कल्प वृक्ष में समाने लगी चित्र देखेंगे बहुत सुंदर पूरा कल्प वृक्ष ही गोल्डन हो गया है रंग बदल गया काले से बदलते बदलते गोल्डन हो गया है तीसरी चीज एक सभी करेंगे ये बात बाबा ने टीचर बहनों को कभी कही थी कोई करते होंगे किसी को भूल गई होगी सवेरे सब करेंगे किसी को बाबा कहे हम सब के लिए होता है सवेरे बाप से दृष्टि लो और संसार को दृष्टि दो बहुत सुंदर बात है ना बाप से दृष्टि लो संसार को दृष्टि दो हम संसार को दृष्टि देंगे फायदा होगा ना हम इस देव देवियां हैं भावनाओं से भरी दृष्टि देंगे जग का कल्याण होगा हम पूर्वज हैं दृष्टि देंगे बाबा ने एक बात कही है दृष्टि देते ऐसा फील करो मेरे मस्तक से आंखों से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं सभी एक काम करेंगे अब बाबा ने तो कहा था सवेरे हम किसी भी टाइम भी करेंगे अपनी छत पे चले जाओ कहीं भी छत ना हो तो घर में ही एक एक दिशा की ओर दृष्टि रखते हुए उस दिशा के सभी मनुष्यों को दृष्टि दो ईस्ट में वेस्ट में नॉर्थ में साउथ में ऊपर आकाश को दे दो नीचे धरा को दे दो और एक संकल्प कर दो कि संसार की सभी आत्माएं मेरी गुड फ्रेंड है बहुत इस संकल्प में बहुत जादू होगा पांचवा अभ्यास सवेरे का फरिश्ता देवता बाबा पहले ये बहुत ड्रिल कराया करते थे और भी कुछ जब आप अभ्यास करते रहेंगे आपको नए नए अभ्यास ख्यालों में आते रहेंगे उनको आप करते रहना बीच बीच में कोई अभ्यास ज्यादा देर भी हो जाए दूसरा कम वो सब चल जाएगा इस तरह अमृत वेले को सफल करने वाले सच्चे ब्राह्मण हैं बहुत सुख मिलता है हमें सारा संसार फॉलो करता है गहरी बात आप भले ही अपने घर में हैं, लेकिन कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं। हमारा प्रभाव सारे कल्प वृक्ष में जाता है हम सोएंगे संसार सो जाएगा संकल्प करो हम खुश होंगे संसार खुश हो जाएगा हम रोएंगे संसार रोने लगेगा जिम्मेदार आए हैं हम सभी ऐसे वैसे नहीं कि कुछ भी कर लो रेस्पॉन्सिबल हैं बहुत इसलिए अपने को पूर्वज मानते जानते हुए संकल्प करना मैंने विजन दिया था एक कि मेरे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष चित्र बना लो मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूं सिर के ऊपर कल्प वृक्ष अभी बना लो मेरे एक एक संकल्प का प्रवाह पत्ते पत्ते तक जा रहा है मेरी प्योरिटी का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिल रहा है मेरी स्थिति सभी आत्माओं की स्थिति बना रही है चिंतन के साथ योग करना है परमात्मा की एक स्मृति ही योग है योग का अर्थ है संबंध अथवा कनेक्शन जोड़ना जैसे घर में लगी हुई बिजली की तारों का कनेक्शन बिजली घर की तार से जोड़ने से हमारे घर में भी रोशनी और ऊर्जा की प्राप्ति होती है ठीक वैसे ही आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़ने से मनुष्य आत्मा को शांति और आनंद तथा लाइट और माइट की प्राप्ति होती है एक कनेक्शन मन रूपी तार को परमात्मा के साथ जोड़ने से ईश्वरीय स्मृति में स्थित होने से ही जुटता है जब हम मन को परमपिता परमात्मा के पास ले जाते हैं तो में भी स्वयं परमात्मा की शांति शक्ति आनंद प्रेम आदि सूक्ष्म आध्यात्मिक लहरें उत्पन्न हो जाती है अतः तो योग भी एक प्रकार से आत्मा को परमात्मा के साथ उस तल पर ले जाने अथवा तो उसके साथ धुन में धुन मिलाने का नाम है हम यो भी कह सकते हैं कि जैसे कोई मनुष्य दूरबीन के प्रयोग से किसी दूर तारे को या किसी व्यक्ति को देखता है कुछ वैसी ही क्रिया योगी भी करता है योगी अपने मन रूपी चक्षु अथवा तो दूरबीन को परमात्मा का रूप पर यानी परमात्मा के ज्योति पर समाता है उस समय और किसी को न देखकर केवल परमपिता परमात्मा को ही देखता है और मनन करता है जैसे टेलीविजन की स्क्रीन पर दूर का कोई दृश्य अथवा व्यक्ति नेत्रों के सामने आता जाता है और हम उसे देखने लग जाते हैं वैसे योग अभ्यास में हमारी बुद्धि एक टेलीविजन का कार्य करती है हमारे सामने परमधाम अथवा ब्रह्मलोक के वासी शिव बाबा का अति सूक्ष्म सूक्ष्म ज्योति चित्र उपस्थित हो जाता है तब हम मन रूप चक्ष द्वारा देखने में मगन अथवा मस्त हो जाते हैं मन को इस प्रकार बुद्धि द्वारा सामने लगाए शिव बाबा के सूक्ष्म स्वरूप में मगन करना ही योग है जैसे पुलिस वाले गश्त करते समय अपने साथ एक वॉकी टॉकी या वायरलेस के द्वारा कंट्रोल रूम के साथ संपर्क बनाते हैं इसी प्रकार योगी भी परमात्मा को परम पिता माता सखा शिक्षक या सदगुरु का मानकर मन रूपी वायरलेस द्वारा संपर्क स्थापित करता है एवं उससे वार्तालाप यानी कि रूह रिहान करता है इससे उसे परमात्मा के सम्मित आदेश का प्राप्ति होता रहता है यानि कि शिव बाबा क्या टचिंग करवाता है एक योगी को उसके मालूम रहता है हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे एक छोटा बालक अपने लौकिक पिता के हाथ में हाथ देकर उसके साथ साथ जाता है वैसे ही योग भी परमात्मा के साथ साथ आत्मा का सहचर्य है परमात्मा के हाथ में हाथ देने का अर्थ है उसके साथ पिता पुत्र का मानसिक नाता जोड़ना और पग उसी के साथ सन्मार्ग पर चलना और परमात्मा को अपना सहायक और साथी मान उस मालिक का बालक बनकर उसकी ईश्वरीय संपत्ति का अधिकारी बनना संक्षेप में यानी कि सार में हम यही कहेंगे कि योगी देह और देह के जगत को भूलकर एक परमात्मा ही की एक टिक स्मृति में रहता है इसी का नाम योग है